बिल्कुल, आज हमें 3-4 कंपनीज में जाना है मीटिंग के लिए। एक कप चाय हो तो फिर चलते जी। 2 कप चाय भिजवा दीजिएगा। जारी 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 पवन मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन। सन सन नन सन सन नन जारी 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 पवन ऐसा कहीं। अच्छा गा लेती है तुम तो। I'm sorry sir। अरे नहीं नहीं सॉरी किस बात का, इंसान को खुश रहना चाहिए। और कम से कम तुम उस टेंशन से तो निकली जिसमें थी। एक्चुअली सर मुझे आपसे बहुत हौसला मिलता है, आप मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं सिखाते हैं। सारा तुम अपने वालिद और बहन भाइयों के लिए काम करती हो, तुम खुश रहोगी तो वो भी खुश और मुतमैन रहेंगे। आप सही कह रहे हैं सर, मैं बाबा से अब जब भी बात करती हूँ तो वो मुझे खुश देख के बहुत खुश होते हैं। वो तो बहुत मुतमईन रहने लगे हैं। That's good. अच्छी बात है। मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? हाँ प्लीज लगा दो। सुनो जी, ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, खुश रहा करो, अच्छी लगती है। थैंक यू सर। थैंक यू। इतनी गर्म रोटी मत लाया करो सर, गरम रोटी ज्यादा खाई जाती है, इंसान पेट भर के खा लेता है। जब ऑफिस से वापस आता था तो अम्मी भी गरम रोटी बना के देती थी और बिल्कुल यही कहती थी जो तुम कह रही हो। सर आपके घर वाले कभी यहाँ नहीं आए ना, और ना ही मैंने कभी आपके मुंह से उनके बारे में सुना। वो लाहौर में नहीं रहते। फिर भी कभी तो कोई आए, मतलब उनका ना कभी फोन आता है और ना ही कभी मैंने आपको बात करते हुए देखा फोन पे। सर आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? सोनिया बाजी आपके घर वाले को पसंद नहीं करती ना? सर मेरी भाभी को भी ऐसे ही लगता था कि भाई जो भी कमा कर ला रहे हैं वो हम पर ही खर्च कर रहे हैं। वो समझती थी कि भाई की कमाई पर सिर्फ उनका हक है। अब देखिए ना, रोजी का वादा तो अल्लाह ने हर इंसान से किया हुआ है, हम कोई भूखे तो नहीं मर रहे। रास्ता उसने खुद बना दिया और मैं आप जैसे अच्छे लोगों के घर में आ गई। अब मैं आपके लिए एक और रोटी लाती हूँ। सारा जी
तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आहिस्ता कर दो, काम कर रहा हूं मैं। और ऊंचा कर दिया तुमने, काम कर रहा हूं यार, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, प्लीज आहिस्ता करो। हद होती है। सुनिए प्लीज, क्या कह रहे हो यार, काम कर रहा हूं मैं, देख ही रही तुम। यहाँ मेरे ऑफिस के पेपर्स पड़े थे। अब फॉर गॉड सेक्स यार, ये मेरे पेपर्स हैं, तुम्हारे यहाँ पेपर्स कहाँ से आ गए? और ये बहुत जरूरी पेपर्स हैं मेरे। क्या होता जा रहा है तुम्हें, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? क्या चाहती? मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से आऊं तो तुम उससे बातें करो, उससे प्यार करो। तुम्हारा काम काम है और मेरे काम की कोई अहमियत नहीं। हाँ, तुम मुझे मेरे काम के हर वक्त ताने क्यों देते रहते हो? और तुम्हारा काम इतना इंपॉर्टेंट है तो अपने ऑफिस में खत्म करके आया करो ना। खुदा के लिए सोनिया, मुझे ये असाइनमेंट मुकम्मल करने दो, कल पहुंचानी है, मेरी जरूरी मीटिंग भी है, प्लीज। सो जाओ, तुम सो जाओ। सारा, तुम कहां से आ रही हो? सर मैं वो छत पे गई थी। आधी रात को छत पे क्या करने गई थी तुम? सर देखो, मुझे सच सुनना है, झूठ मत बोलना मुझसे, मैं तुम्हें बहुत ट्रस्ट करता हूं। बताओ छत पे क्या करने गई थी तुम? सर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका ट्रस्ट टूटे। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। फिर तो छत पे क्या कर रही थी? मुझे हमेशा से चांदनी रात देखना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए बस चौधरी का चांद देखने गई थी बस। मुझे मारेंगी, कहेंगी पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता और फैशन करवा लो। मगर उनकी आंखों में चमकती है हवस और दिल में छुपी घटिया ख्वाहिशात की वजह से मैं उनकी मुलाजमत कभी ना कर सकी। आपने कल मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी, आप दोबारा भी कभी कह सकते हैं।